संस्कृत दर्शन चैनल में आप सभी का स्वागत है। सप्तमी विभक्ति का हम अध्ययन कर रहे हैं और कोशिश कर रहा हूं मैं कुछ सूत्रों को अच्छे से समझाने का, फिर भी कहीं ना कहीं कोई कमी अवश्य रह जाती है, ये मैंने देखा है। क्योंकि परपक्व तो कोई नहीं होता, फिर भी प्रयास है मेरा, और मेरी अगर कमियां आपको नजर आती हैं तो जरूर बता दिया करना, क्योंकि आदमी की जो अपनी स्वयं की कमी होती है वो कभी उसको नजर नहीं आती, दूसरे व्यक्ति ही उसको इंगित कर सकते हैं। एक कहा भी है कि निंदक नियरे राखी आंगन कटी छवाए, आंगन में कुटी छवा लिए और निंदक को नियरे रख लीजिए, जिससे आपका निर्मल जो स्वभाव होता है वो निर्मल हो जाए, बिन साबुन बिना, है ना, साबुन के बिना भी आपका जो स्वभाव होता है वो निर्मल हो जाता है। तो यहाँ निंदक शब्द का प्रयोग थोड़ा सा गलत है, निंदा करने वो गाली में आ जाता है, लेकिन जो आलोचनात्मक समालोचनात्मक जो व्यक्ति होते हैं, जो वास्तव में चाहते हैं कि इनमें गुण में दोष निकालना, वो गलत है। हाँ, आपको लग रहा है कि इसमें कुछ सुधार हो सकता है तो वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है मेरी नजर में। तो खैर, चलिए हम सप्तमी विभक्ति पे चलते हैं। सप्तमी विभक्ति में आज हम एक सूत्र ले लेते हैं, फिर इस पर चर्चा करेंगे। स्वामीश्वरा धिपति दायाद साक्षी प्रतिभु प्रसूतैश्च, है ना। अब यहां पर इसमें दो तीन चीजें देख लेंगे हम, समझ में आ जाएगा। वैसे तो कोई ज्यादा कठिन नहीं है ये। स्वामी एक तरह से मालिक होता है ना, स्वामी के लिए कहते हैं कि वो किसी पर अधिकार जमाने वाला, कुल मिला के ये बात है, मालिक ही मान लीजिए। ईश्वर शब्द जो यहां प्रयोग किया गया वो भी मालिक के लिए ही प्रयोग किया गया है, अर्थात किसी चीज का वो अधिकारी हो। अधिकारी शब्द थोड़ा सा गलत है, मालिक ही एक तरह से मान लीजिए। अधिपति राजा के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और दायाद होता है एक तरह से उत्तराधिकारी, स्वामी और ईश्वर में थोड़ा सा अंतर होता है। स्वामी समर्थ के लिए भी कहा जाता है, ईश्वर समर्थ के लिए भी कहा जाता है। ईश्वर विस्तृत क्षेत्र में, बहुत बड़े क्षेत्र में माना जाता है, उसका उसका अधिकार का जो क्षेत्र होता है, मालिकियत जो होती है एक तरह से, या सामर्थ्य जो होता है उसका बड़े क्षेत्र में होता है, और स्वामी थोड़े उससे कम होता है, बस ये अंतर है। और मुझे खास अंतर नहीं नजर आया इसमें, शब्दों की बात है, हिंदी के शब्द हैं, पर्यायवाची हैं, उनमें बहुत लेशमात्र ही अंतर होता है। उत्तराधिकारी दायाद, उत्तराधिकारी कैसे, किसी की जायदाद है, वो जायदाद अपना जिसके नाम करेगा वो उसका उत्तराधिकारी है। जो पिता होते हैं वो अपने पुत्र को उत्तराधिकारी मानते हैं, और बाबा नाती को उत्तराधिकारी मानते हैं, इस तरह से। साक्षी का मतलब क्या है, साक्षी का मतलब होता है एक तरह से गवाही, कि मैं यहां साक्षी था। ये प्रयोग गवाह का जो प्रयोग किया जाता है आजकल ज्यादातर देखा होगा हमने, आपने न्यायालय में जो प्रयोग किया जाता है, अर्थात जज के सामने या किसी को लड़ाई हो गई या किसी से कोई विवाद हो गया किसी प्रकार का, तो वहां गवाहों की आवश्यकता पड़ती है कि हाँ मेरे सामने ऐसा हुआ था, ऐसा नहीं हुआ था, ये दोनों प्रकार से होते हैं। प्रतिभु का मतलब क्या होता है, प्रतिभु का मतलब होता है जामिन, अर्थात जमानती। वो जो विवाद हुआ है उसमें अगर किसी को जेल हो जाती है, किसी पे कोई व्यक्ति जेल चला जाता तो उसको बाहर निकालने के लिए जमानत बोला जाता है उसको, तो जमानत के लिए जमानती आवश्यकता होती है, वो व्यक्ति ही होता है, तो वो यहां इसके लिए प्रयोग किया गया। प्रसूतैश्च, प्रसूत का मतलब होता उत्पन्न, है ना, उत्पन्न होना। चलिए, उम्मीद है ये चीजें समझ में आई होंगी, हम इसके उदाहरण देख लेते हैं एक दो। पहला उदाहरण ले लेते हैं, वह तो गायों का ही स्वामी है, मैं तो सौ
मनुष्यों का मालिक हूँ, है ना। स्वामी मालिक। एक चीज और बताता चलूं, इसमें जल्दबाजी में इसको छूट गया, इसमें सप्तमी विभक्ति तो होगी होगी, सप्तमी के साथ साथ इसमें षष्ठी विभक्ति का भी व्यवस्था है। वास्तविकता तो यह है कि इसमें षष्ठी ही होती है, क्योंकि संबंध में गायों का मनुष्यों का की के जो संबंध है वो षष्ठी में ही प्रयोग किए जाते हैं। संबंध कारक नहीं बोलते इसको, कारक में नहीं आता, संबंध है इसलिए इसमें षष्ठी का प्रयोग किया जाता है। लेकिन इस सूत्र के द्वारा इसमें सप्तमी का भी विधान किया गया है। तो अब यहां पर हमें केवल ये देखना है, ये शब्द दे रखे हैं पूरे, उनका संबंध किससे है। जैसे यहां गायों से है, यहां मनुष्यों से है, मालिक किसका है वो मनुष्यों का, स्वामी किसका है गायों का। तो जिन शब्दों से संबंध है, इन शब्दों का, दिए हुए शब्दों का, उनसे सप्तमी और षष्ठी का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं इसका। सहतु गोशु एव स्वामी वर्तते, अहम तु शते मनुष्येश शु मनुष्येषु ईश्वरः वर्ते। सप्तमी का प्रयोग कर लिया इसके कारण, सप्तमी का प्रयोग कर लिया इसके कारण, ये दोनों शब्द हैं, स्वामी हैं और ईश्वर है। ठीक है, तो उम्मीद है ये समझ में आया होगा। अब हम इसकी जगह षष्ठी का भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसे गवाम इसमें प्रयोग हो जाएगा, शतस्य मनुष्याणाम। ठीक है, भारतवर्ष के अधिपति दूर देशों से संबंध रखते थे। भारतवर्ष के अधिपति दूर देशों से संबंध रखते थे। अब यहां पर हमारे पास अधिपति शब्द का जो था वो मिल गया, हमको केवल अधिपति देखना है, ये शब्द देखने हैं, इन सारी व्यवस्था दे रखी है, उसमें कुछ भी छोड़ा ही नहीं गया है। वो गागर में सागर की तरह है, एक तरह से कपिल द्विवेदी जी ने कितने अथक प्रयासों से उसका निर्माण किया होगा, ये देखने योग्य है। और उन्होंने हमारे लिए बड़ा ही सरल बना दिया है संस्कृत को अनुवाद सीखना, और इनके माध्यम से और सरल हो जाएगी रचना अनुवाद का, ये मेरा आपसे वादा है। इसका दो तीन बार आप अध्ययन करेंगे। एक बात विशेष याद रखना, जो किताब होती है, जो पुस्तक होती है, उसका कोई भी विकल्प नहीं है इस दुनिया में। क्यों? क्योंकि जो हम वीडियो देखते हैं वो दृश्य श्रव्य सामग्री के अंतर्गत आता है, वो सहायक हो सकता है, उसको सीखने में रुचिकर बना सकता है। जो चीज़ें हमारे कभी कभी ऐसा होता है, हम अध्ययन करते चले जाते हैं, मस्तिष्क कहीं और भटक जाता है, तो उस मस्तिष्क को एकाग्र करने के लिए जहां छूट गई चीज़ें, उसको वीडियो के माध्यम से, ऑडियो के माध्यम से हमारे मस्तिष्क में वो बैठ जाती चीज़ें। लेकिन आपने देखा होगा रचना अनुवाद कुमुदी को, बड़ी अच्छी है। उसमें क्या है कि दाएं बाएं हाथ पर तो पूरा शब्दकोश दे रखा है और बाएं हाथ पर अनुवाद दे रखे हैं। दो प्रकार से अनुवादों की व्यवस्था की गई है वहां। पहली प्रकार है इन कारकों के माध्यम से अनुवादों को कुछ दे रखे हैं, कुछ संख्या में अनुवाद दे रखे हैं। फिर और जो व्यवस्था है उसमें, वो जो शब्द नए हैं, नए शब्द सिखाने हैं, उनके लिए भी अनुवाद दे रखे हैं। इस तरह से दो प्रकार से वहां व्यवस्थाएं दे रखी हैं। और
बहुत अच्छा है। और जो अनुवाद होते हैं वो एक तरह से फल होते हैं, जैसे पेड़ है, पेड़ की जड़ है, जड़ के बाद फिर तने आएंगे, पत्ती आएंगे, पत्ती के बाद फिर फूल आएंगे, फूल से की जो अंतिम अवस्था होती है वो फल होता है। ऐसे ही अनुवाद होता है। अनुवाद पूरी व्याकरण को समझने के उपरांत अनुवादों को सीखा जाता है। तो यहाँ भ्रम ना हो इसके लिए मैं यहाँ बताने का प्रयास करूँगी, अनुवाद सीख नहीं रहे हैं हम, सूत्रों को सीख रहे हैं, कारक के सूत्रों को सीख रहे हैं। इन सूत्रों के बाद में हम कुछ प्रत्ययों को सीखेंगे, समास को सीखेंगे, संधियों को सीख ही लिया है हमने, वो उसी के पार्ट हैं, उसी के हिस्से हैं, उन सभी का जोड़ अनुवाद होता है। तो अनुवाद जो यहाँ बताने का प्रयास करते हैं हम, वो इन सूत्रों की व्याख्या हो जाए, ये सहायक के रूप में है, इन सूत्रों के याद रखना है इस बात का, ठीक है। तो चलते हैं हम, अधिपति हमारा प्रयोग हो गया, भारतवर्ष इसमें देख लेते हैं, भारत अर्थपति का किससे संबंध है, भारत से, तो क्या बन जाएगा, भारतवर्षे अधिपतया, अधिपति के रूप कैसे चलेंगे, हरि की तरह, है ना। पति शब्द जब भी प्रयोग अकेले में होगा तो उसके अकेले की तरह रूप चलेंगे, अलग रूप चलेंगे, लेकिन जब पति शब्द किसी के साथ होगा, अच्छा उसका समास के साथ प्रयोग होगा, तो उसका हरि की तरह ही रूप चलने लग जाएगा। विप्रकृष्ट राष्ट्रीय संबंधम अरक्षण, ठीक है। और इसमें क्या बन जाएगा, इसका भारत वर्षस्य, इस तरह से ये सप्तमी और ये षष्ठी किसके कारण इसमें हुआ है, याद रखना है, इसमें षष्ठी तो है ही, लेकिन ये सूत्र का जो निर्माण किया गया वो सप्तमी के लिए किया गया है। संबंध है काकी के, जो हम पढ़ते हैं चिन्ह, संबंध में काकी के रारी रे शब्द चिन्ह आते हैं, वो उनसे इनसे संबंध अर्थात षष्ठी विभक्ति तो होगी होगी, और इसमें सप्तमी का विधान किया गया है। चलिए अगले उदाहरण पे चलते हैं, दया चंद्र का उत्तराधिकारी कृष्ण चंद्र है, ठीक है। अब दया चंद्र का उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी किसका है, संबंध देखना है, दया चंद्र का है, तो सीधे संबंध से षष्ठी का प्रयोग होता है, लेकिन यहां सप्तमी का हम पहले करेंगे, क्योंकि सप्तमी का अध्ययन कर रहे हैं। क्या बन जाएगा, दया चंद्रे, उत्तराधिकारी की क्या है संस्कृत, दायाद, दायादः कृष्ण चंद्रास्ति, ठीक है। इसमें कुछ समझाने के लिए नहीं है, आपको बस इतना याद रखना है, जो ये शब्द दे रखे हैं इनके हिंदी में जैसे सेम सीधे संस्कृत में, उन शब्दों से जिसका संबंध होगा उसमें सीधे सप्तमी और षष्ठी का प्रयोग कर दिया जाएगा। तो यहां पर दायाद शब्द है, इसलिए संबंध दया चंद्र से है, सीधे सप्तमी का प्रयोग कर दिया गया, और दया चंद्रस्य ये षष्ठी का भी प्रयोग इसमें किया जाएगा। उम्मीद में समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए अगले उदाहरण चलते हैं, श्याम के गवाहों और मोहन के जामिनों को बुलाओ, ठीक है। देखिए हमारे पास गवाह और जामिन यानी साक्षी और प्रतिभु ये शब्द हैं। अब इनसे जिसका संबंध है उसे सीधे सप्तमी का और षष्ठी का प्रयोग कर लिया जा रहा है। अब बुला रहे हैं गवाहों को, बुला रहे हैं और जामिनों को बुला रहे हैं, ठीक है। तो यहां क्या हो जाएगा,
श्यामे साक्षिणा मोहने प्रतिभून च आकारय। ठीक है, अब हम इसमें षष्ठी का भी प्रयोग कर लेते हैं। क्या बनेगा? श्यामस्य और ये मोहनस्य। अब इसमें कुछ समझाने को बचा नहीं है, आपको बस ये शब्द देखने हैं, है ना, और उसके साथ जिसका संबंध होगा उनमें सीधे सप्तमी का प्रयोग कर दिया जाएगा। पक्ष में षष्ठी होती ही होती है। चलिए अगले उदाहरण देखते हैं। क्षत्रिय कुल में उत्पन्न पुत्र युद्ध के स्वप्न देखता है। ठीक है, तो अब यहां पर उत्पन्न शब्द है हमारे पास प्रसूत, इसका संबंध किससे है? क्षत्रिय कुल से है, क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हो रहा है, है ना। तो इसमें अब इसमें कांकी की नहीं है, लेकिन मैं पेपर है, सप्तमी तो अपने आप से हो जाएगी। लेकिन याद रखना है इसमें जब भी ये शब्द आ जाएंगे तो सप्तमी का विधान हुआ है, षष्ठी पक्ष में ही है। तो क्षत्रिय कुले प्रसूता सुता संग्राम स्वप्नान पश्यति। और इसमें अगर हम षष्ठी का प्रयोग करें तो क्या बन जाएगा? सीधा षष्ठी कर दो इसमें, क्षत्रिय कुलस्य। ठीक, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। हम अगले सूत्र पर चलते हैं। आयुक्त कुशलाभ्याम चासेवायाम। आयुक्त कुशल असेवा, ये तीन है इसमें। आयुक्त का मतलब होता है लगा हुआ, ठीक है, और कुशल का मतलब होता ही है निपुण। जो कमिश्नर शब्द के लिए जो प्रयोग किया जा रहा है ना, आयुक्त है नगर आयुक्त, तो वो आयुक्त यही है। कमिश्नर जो शब्द है वो आयुक्त इसी के लिए प्रयोग किया गया है। ठीक है, असेवायाम का मतलब होता है, यह असेवायाम का दूसरा ही अर्थ है तल्लीनता के साथ। अपना जो भी काम कर रहा है वो उसमें वो तल्लीन है। तो सेवा में जब भी कोई कार्य करने में निपुण हो, उसमें जो तल्लीन हो, उस शब्द में ध्यान रखना थोड़ा, जिसमें तल्लीन होगा उसी से सप्तमी का प्रयोग किया जाएगा। और बिल्कुल उसी शब्द से कैसे होगा वो थोड़ा सा उदाहरण देखेंगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएंगी चीजें, क्योंकि ये थोड़ा सा उलझाव वाला है। आयुक्त कुशलाभ्याम केवल इतना छूट दिया है असेवायाम, अब करना क्या है? आयुक्त जिसमें लगा हुआ हो तल्लीनता के साथ और जिसमें निपुणता से कार्य कर रहा हो जिसका, उसमें सीधे सप्तमी का प्रयोग किया जाएगा। तो देख लेते हैं इसमें उदाहरण। गुरु की
सेवा में अर्जुन देव तल्लीन है। तो सप्तमी तो होगी होगी और षष्ठी इसमें रहेगी, इन दोनों में, पहले वाले में भी इसमें षष्ठमी का प्रयोग भी किया जाएगा। अब गुरु की सेवा में, याद रखना है सेवा में, अर्जुन देव किसमें तल्लीन है? गुरु की सेवा में, जिसमें तल्लीन है, जब सेवा है तो सेवा में सप्तमी का प्रयोग किया जाएगा। याद रखना है, वो शब्द ढूंढना है जो व्यक्ति जिसमें लगा हुआ है, जो विषय है उसका, उसमें जिसमें लगा हुआ गुरु है, आप गुरु की काकी के ठीक है प्रयोग किया जा रहा है, लेकिन गुरु में सप्तमी का प्रयोग नहीं किया जाएगा। यहां सप्तमी का प्रयोग सेवा में किया जाएगा, सेवा शब्द है मुख्य, सेवा में लगा हुआ है। तो क्या आ जाएगा इसका, इसमें षष्ठी का प्रयोग हो जाएगा, गुरु सेवायाम अर्जुन देव तल्लीन है, तल्लीन या सीधे आयुक्त, अर्जुन देव लगे हुए हैं सेवा में, लगे हुए हैं, यह मुख्य चीज क्या है, सेवा। अब किसकी सेवा में, वहां शब्द पे नहीं आना अपने, हो सकता है यहां इसकी जगह मां हो, पिता हो, कोई और बड़े हो, बुजुर्ग हो, कुछ भी हो सकते हैं, वृद्ध हो, कोई भी हो सकता है, लेकिन यहां गुरु है, ठीक है। तो यहां केवल याद रखना आपको सेवा, जिसमें जो चीज प्रयोग की जा रही है, तो अर्जुन देव सेवा में लगे हुए हैं, सेवायाम अर्जुन देव आयुक्ता अस्ति। उम्मीद समझ में आया होगा, अभी मैं इसके दो से तीन उदाहरण दूंगा तो बिल्कुल एकदम दिमाग में बैठ जाएगा सही से, कि हमें शब्द किसमें प्रयोग करना, सप्तमी का प्रयोग किसमें करना, षष्ठी का प्रयोग किसमें करना है, इसी में आप षष्ठी का प्रयोग कर सकते हैं, सेवाया, ठीक है। चलिए अगले उदाहरण पे चलते हैं हम, यह नाई बाल काटने में बड़ा कुशल है। ये जो कुशल है ये किसमें, बाल काटने में कुशल है, ठीक है। तो अयम नापिता बाल काटने में, इसमें कुशलता किसमें है, बाल काटने में। तो केश वपने सुकुशलः अस्ति, ठीक है। ये सैनिक लोग सेना के लायक नहीं है, ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं, एते सैनिकः सेना के लायक नहीं है, अकुशला अकुशलः सेनायाम, ठीक है। अब यहां सप्तमी का प्रयोग सेना के, लायक किसके लिए नहीं, सेना के लिए नहीं, तो सेनायाम या सेनाया, इस तरह से ये प्रयोग कर लिया जाएगा। तो उम्मीद है ये उदाहरण देने का प्रयास किया था मैंने आपको, से समझ में आया होगा। और आज के लिए इतना ही।